हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मैं चैनल द रियल हिस्ट्री क्लब में। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री वाले बच्चों का है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर देख लो, ठीक है। तो भारत की नवपाषाण संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लिखना है वो देख लो। और चैनल को दोस्तों जल्द सब्सक्राइब कर लेना, अगला जो क्वेश्चन का आंसर जल्दी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देख लो कहाँ तक आपको लिखना है ये, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, जितने भी हिस्ट्री वाले बच्चे हैं तो हिस्ट्री वाले बच्चे ये देख लें, ठीक है। आप सभी का आंसर है। थोड़ी दोस्तों बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा बढ़ा के लिख देना, क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन और एक आंसर होता है, तो आप लोग समझ सकते हो 20 नंबर के हिसाब से हमें कितना लिखना है। तो ये सारा कुछ आप लोग लिख देना, ठीक है। ये नक्शा हो गया, नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देना, ये सारी शुरू से लेकर अंत तक उत्तर भारत, ठीक है। ये भारत के बारे में भी पूछा गया, तो भारत के बारे में सब बता रहा था, पश्चिमी भारत और उत्तर भारत। मध्य भारत, ये थोड़ा दोस्तों बड़ा हो रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग शॉर्ट करके भी आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि जो मैं बताए दे रहा हूँ वही पूरा करेक्ट आप लोग लिख दो, आप लोग भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट करके आप समझ सकते हो किस तरह से शॉर्ट, आपने 12th क्लास में भी शॉर्ट आंसर लिखे होंगे, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये पूरा आंसर है आप सभी का राइट आंसर, ठीक है। तो आपका ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये लिख देना, और ज़्यादा बड़ा मत लिखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर।